कोरोना संकट से निपटने में जुटी यूपी सरकार ने कुछ दिनों पहले प्रदेश में तबादलों पर 31 मई तक के लिए रोक लगा दी थी, लेकिन अब सरकार ने एक बार फिर कई अफसरों के तबादले शुरू कर दिए हैं, जिसकी शुरुआत पुलिस महकमे से कर दी गई है। एक दिन पहले ही सरकार ने 10 आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया था और जल्द ही ये लिस्ट और बड़ी होने वाली है। लेकिन क्या है अचानक हो रहे इन तबादलों की वजह, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बकवास मत, बंद करो अपना। ठीक, बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहां पर जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहां पर पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। कोरोना संकट के शुरुआती दौर में अफसरशाही के निकम्मेपन पर नाराज सीएम योगी की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। जब 30 मार्च को नोएडा के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने जिले के डीएम बीएन सिंह का तबादला कर दिया था। बकवास कर करके आप लोगों ने माहौल खराब किया है। यहाँ पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर वो डालना, और 2 महीने पहले अलर्ट जारी किया था हम लोगों ने, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लिए जारी किया था। ठीक उसी तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में फेरबदल का दौर शुरू हो चुका है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को 10 आईपीएस अफसरों के साथ हो चुकी है। और सूत्रों की माने तो बहुत जल्द कई और आईपीएस अफसरों के तबादले की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। उत्तर प्रदेश में 10 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, 10 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। एडीजी कानून व्यवस्था पीवी रामाशास्त्री को हटाकर उनकी जगह प्रशांत कुमार को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। पीवी रामाशास्त्री को एडीजी विजिलेंस बनाया गया है। इसके अलावा राजीव सब्बरवाल एडीजी मेरठ जोन, अंजू गुप्ता एडीजी पीटीएस मेरठ, लक्ष्मी सिंह आईजी लखनऊ रेंज, दीपेश जुनेजा बने एडीजी कार्मिक, एलवी एंटोनी देव कुमार एडीजी सीबीसीआईडी और नीरा रावत एडीजी वीमेन पावर लाइन बनी हैं, जबकि बीके सिंह को पीएसी के साथ एडीजी सुरक्षा का प्रभार मिला है। वहीं आईजी रेंज लखनऊ एसके भगत गृह विभाग के सचिव बने हैं। आपको बता दें कि कई महीनों के बाद 10 सीनियर अफसरों का तबादला किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत 10 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए और कुछ और आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची पर काम चल रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिर सरकार ने 12 मई को जो ट्रांसफरों पर रोक लगाने का आदेश दिया था उसका क्या? सरकार ने दलील दी थी कि कोविड-19 के चलते 31 मार्च तक सूबे में कोई तबादला नहीं होगा, और जब तबादला न होने का आदेश दिया गया तो 14 दिन में ही यह आदेश कैसे दम तोड़ गया। इसके पहले सीएम योगी ने 14 मई को आदेश जारी करते हुए कोरोना संकट को देखते हुए प्रदेश में तबादलों पर 31 मई तक रोक लगा दी थी, लेकिन अब सरकार ने अपने फैसले को पलटते हुए एक बार फिर बड़े पैमाने पर फेरबदल शुरू कर दिया है। लेकिन पुलिस महकमे में अचानक इस तबादले के पीछे बड़ी वजह प्रदेश में बीते कुछ दिनों में तेजी से बढ़े अपराध के मामले बताए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के शुरुआती 2 चरणों में अपराध के रिकॉर्ड में काफी कमी दर्ज हुई थी, लेकिन हाल के दिनों में एक बार फिर यूपी के तमाम हिस्सों में अचानक अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। इसके अलावा 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को भी तबादलों की बड़ी वजह माना जा रहा है। सरकार के लोग इसके पीछे सुशासन की नीति बता रहे हैं, लेकिन वही दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा उन्हीं को देखते हुए सरकार ने यह मोर्चाबंदी शुरू की और अपने ही आदेश को किनारे कर दिया।